नमस्कार, स्वागत है आपका खबरी में। मैं हूं परिधि। चलते हैं आज के अपनी खबरी। कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर है पीएम मोदी, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हिस्सा लेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव को योग दिवस के साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ ने कहा, 75 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में देश भर में 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मोदी मैसूर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें देश भर के करोड़ों लोग शामिल होंगे। मोदी का योग कार्यक्रम गार्जियन योग रिंग का भी हिस्सा है, जो 69 देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय मशीनों की एक संयुक्त कवायद है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एमपी में मारे गए 3 नक्सली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि बालाघाट जिले में सोमवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक महिला समेत 3 नक्सली मारे गए। उन्होंने कहा कि मारे गए नक्सलियों में एक पर 15 लाख जबकि 2 अन्य नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। ये एनकाउंटर मध्य प्रदेश पुलिस की हॉक फोर्स ने किया है। केबल कार में तकनीकी खामी आने पर हिमाचल में बीच हवा में फंसे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में सोमवार को टिम्बर ट्रेल केबल कार में तकनीकी खामी आने के चलते दिल्ली के 11 पर्यटक बीच हवा में फंस गए। उन्हें बचाने का काम में अन्य केबल कार को लगाया गया है। सोलन के एसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि एक रिजॉर्ट के स्टाफ ने 4 लोगों को बचा लिया है। जबलपुर में आया भूकंप। जबलपुर में सोमवार दोपहर करीब 1:30 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक 23.15 डिग्री उत्तरी अंशांश में और 80.36 डिग्री पूर्वी देशांतर जबलपुर में 3.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ है। किसी तरह की कोई जान माल की हानि का समाचार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बांग्लादेश में बाढ़ से 26 लोगों की मौत। ढाका बांग्लादेश में बाढ़ का कहर जारी है। बांग्लादेश के करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 31 लाख लोग इसके चलते पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचाव दल ने निकाला है। सोमवार को जमालपुर जिले में बह जाने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। भूखनन घटनाओं में मृतकों का आंकड़ा 26 के पार हो गया है। ये थी हमारी आज की सारी खबरें। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए खबरी के साथ। हमारी रहती है हर खबर पर नजर।